नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू विनायक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया नगर महाराजगंज में यह वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मशीन है और ये कौन सा गाड़ी है, ये इतना बड़ा है और यह कहाँ जा रहा है। इसी के संबंध में यह वीडियो है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि यह क्या चीज़ है और यह कहाँ जा रहा है। गोरखपुर में बन रहे कृषि फर्टिलाइज़र कंपनी में यह मशीनें सड़क मार्ग से होते हुए कुशीनगर के रास्ते यह गोरखपुर जा रही है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे खाद कारखाने के लिए गुजरात से भारी भरकम मशीनों को लेकर चल पड़े हैं। वाहनों को कारखाना तक पहुंचने में करीब एक महीने का समय लग गया है। मंगलवार की सुबह पूजा अर्चना के बाद इन वाहनों को गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के चेयरमैन सुजीत गुलाटी, HURL के MD अरुण कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर कारखाना परिसर में रवाना किया। सीनियर मैनेजर सुबोध ने बताया कि मशीनें और कल पुरजो गुजरात से लाए जा रहे हैं। 62 से 57 वाहन सड़क मार्ग से जबकि बाकी के मशीन व कल पुरजे जल मार्ग से लाए जाएंगे। छापरा के गौरीगंज के पास उतारे जाएंगे, वहां से 5 वाहनों में उन्हें लाया जाएगा। बताया गया कि खाद कारखाना में ज़्यादातर मशीनें अपने देश में ही बनाई गई हैं, जबकि कुछ मशीनें बाहर देश से मंगाई जाएंगी। जो मशीनें और कल पुरजे मंगलवार को कारखाना तक पहुंचे, उन्हें गोदरेज कंपनी ने बनाया है। इस दौरान HURL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विष्णुकांत दीक्षित ने सीनियर मैनेजर सुबोध दीक्षित के टोयो के RCM एस चंद्रा सहित अधिक मौजूद रहे। तो दोस्तों, मामला क्लियर है, यह मशीनें गोरखपुर के लिए जा रही है और एक बात स्पष्ट है कि अब गोरखपुर में रोज़गार की कमी नहीं होगी। जब यह मशीनें लग जाएंगी और यह कारखाना तैयार हो जाएगा तो काफ़ी मात्रा में रोज़गार यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।